नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 784वें दिन क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ, तो अगर अभी तक आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं या फिर अटकते हैं या फिर समझ में नहीं आता कैसे उच्चारण करना है, या हो सकता आप पढ़ लेते हो लेकिन स्पीड नहीं हो, जी हाँ तेज़ी में नहीं पढ़ पाते, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि दो तरह के यहाँ वीडियो हैं। पहले एक जो हमारा एक पार्ट जो रहेगा उसमें मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कैसे फास्ट पढ़ना, एक ऐसा पार्ट रहेगा जिसमें आपके सारे जो आपके मन में प्रश्न उठते हैं इंग्लिश को लेकर उसमें सारे समस्याओं का पर जिक्र होगी, तो ध्यान सुनिएगा। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद है तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी कर लेते हैं, फिर वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला के बारे में आने वाले स्लाइड में होगा। तो देखिए, अल्फ़ाबेट जो है 26 लेटर होता है, लेकिन लोग आज भी इसे ABCD के नाम से ही पुकारते हैं। इसके दो पार्ट कर दिए गए, ए ई आई ओ और यू। ये पांच जो है तो कहीं ना कहीं जो है आपके अंग्रेजी पढ़ने के बीच के जो है एक तरह से कह सकते दीवार बना हुआ। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, इंग्लिश अच्छे से फ्लो में पढ़ते हैं, यानी इसका उच्चारण आपको करेक्टली आता है, या अटक रहे हैं यानी आपको करेक्टली उच्चारण नहीं आ रहा है, तो जो पांच है छः दोनों इनका मतलब यानी कि जो पांच वॉवेल्स है डबल ओ के साथ, इसका कुल उच्चारण जो है 23 तरह से किया जा रहा है। अब बताइए, कोई वर्ड मीनिंग जब रहता है 2 से 18 लेटर के, 18 लेटर तक का वर्ड मीनिंग रहता है और ऐसे पैटर्न चलता है, पहले कॉन्सनेंट से स्टार्ट होता है, फिर वॉवेल या कॉन्सनेंट वॉवेल इस तरह से करके एक वर्ड मीनिंग बनता है, या कभी कभी वॉवेल से स्टार्ट होता है फिर कॉन्सनेंट होता है, उसके बाद जो है वॉवेल करके एक वर्ड मीनिंग बन जाता है। अब देखिए, इसमें जो है जैसे कि बहुत सारे वर्ड, जब दो वाले में तो चलेगा, इसे मान लीजिए तीन वाले में जैसे TEN 10 को बोलेंगे, TEN 10 कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप देखिए, चूँकि ये सी कॉन्सनेंट है, ई वॉवेल फिर कॉन्सनेंट, देखिए OF में जो है ये पहले वॉवेल फिर कॉन्सनेंट, वॉवेल फिर कॉन्सनेंट, तो ये प्रक्रिया है, मतलब जो हमारा वर्ड मीनिंग ऐसे बनता है उसमें ये वॉवेल्स आ जाते हैं और फिर उच्चारण नहीं होता है, तो कन्फ्यूज़न होने लगता है। और एक ही वॉवेल जैसे कि मान लीजिए एक ही वर्ड मीनिंग में कई दो तरह से तीन तरह से उच्चारण हो सकते हैं, एक ही ई एक ही वर्ड मीनिंग में तीन तरह से तीन लिख अगर लिख दिया गया तीन अलग अलग तरह से उच्चारण होता है, उसके भी बारे में चर्चा होगी। तो अब देखिए, जो बसता है 21 वो हमारा कॉन्सनेंट का लेटर है, यहाँ भी कुछ इसी तरह की समस्याएं हैं, जैसे डी को डा तो बोलते हैं, ज भी उच्चारण होता है, और टी के ये एकदम एक्सेप्शन रूप में त और ट तो बोलते हैं, लेकिन च और स भी उच्चारण होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बात है जिसके बारे में चर्चा मैं आगे करने वाला हूँ, लेकिन अब देखिए वर्णमाला। जी हाँ, तो वर्णमाला के दो पार्ट हैं, संख्या इसका 50 हो जाता है, 50 के आसपास है। जी हाँ, तो 50 संख्या है, और देखिए ये 50 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही 50 उसके अंदर दो हिस्से, जिन्हें तो एक स्वर नाम दे दिया गया, नाम क्लियर 14, जिसका संख्या 14 है, व्यंजन जो एकदम क्लियर है 36, दोनों का हिंदी तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो यहाँ चूँकि लोग भूल जाते हैं बड़े होने के बाद, खास कर कहीं ना कहीं अटकने लगते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे उसके बाद इंग्लिश का भी देखेंगे, दोनों का अगर प्रयोग करेंगे तो आप हिंदी से इंग्लिश में कोई भी शब्द को लिख पाएंगे, या किसी का नाम लिख पाएंगे, कोई टेक्स्ट मैसेज कर पाएंगे, ये सब चीज़ या इंग्लिश में लिखा हुआ पहले से, तो आप उसे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो चलिए, लेकिन यहाँ पहले मैं दोस्तों बात करूँगा प्रैक्टिकल, यानी जो हमारा प्रैक्टिस जो हमारा जो वर्ड्स है उस पर, जैसा कि हमने थंबनेल में देखा उस पर आते हैं, उसके बाद जो है पूरा चलेगा प्रैक्टिकल, और उसके बाद जो है मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस के बाद जो हमारा थ्योरी वाली बात चलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारा एक वर्ड एक्स कम्युनिकेशन, कितना लेटर्स है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 के आसपास के हैं, तो इतना ही सिंपल है, क्योंकि कम्युनिकेशन के बारे में सभी को जानते हैं, नाम भी सुना है, ई एक्स को जो है एक्स उच्चारण करते हैं, एक्स को एक्स ही बोलते हैं, न कि ई एक्स बोलेंगे। अब देखिए तोड़कर पढ़ते हैं, सी ओ से कम हो जाता है, कम म्यू नी के, और ये देखिए सन है, ये शुरू में जो लगता है वो उसे प्रीफिक्स, एक्स भी प्रीफिक्स है, कम भी प्रीफिक्स है, लास्ट में जो लगता है सन वो हमारा सफिक्स पार्ट होता है, इसके बारे में चर्चा होगी,
लेकिन हाँ जरूरी था बात करना ताकि आपको समझ में आए। क्या पढ़ते हैं? एक्स कम्युनिकेशन। धीरे धीरे जिनको नहीं पढ़ना तो हमारे से पढ़े। एपिडर्मल, एपिडर्मल। नेक्स्ट है इकोनोमेट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स। नेक्स्ट है एक्सपीरेशन, टी आई एन को बोलते हैं सन, एक्सपीरेशन। नेक्स्ट देखिए एल्यूड। नेक्स्ट है आई सो। नेक्स्ट एर्गोनोमिक्स, एर्गोनोमिक्स। नेक्स्ट है इंडो न्यू क्लीज, इंडो न्यू क्लीज। उसके बाद देखो आई बॉल। कम से कम हमारे साथ उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करने में जो दिक्कत होगी वो आ जाएगा वर्ड्स, और कैसे पढ़ना है वहाँ ब्रेक कर मैं बता रहा हूँ ताकि आपको स्पेलिंग भी लिखने में मिस्टेक ना हो। ये भी जरूरी है, पढ़ने के साथ साथ लिखना भी तो होता है, तो आप उसके लिए जो मैं तोड़ के बताता हूँ उसको आप ध्यान में रखेंगे तो स्पेलिंग भी याद अच्छे से हो जाएगा। और देखिए आई विटनेस, ई डबल एस को एस बोलते हैं, एल लगा तो नेस, एल लगा तो लेस होता है। नेक्स्ट है यू कैरी ओटिक, यू कैरियोटिक, है ना। उसका देखिए इजेक्ट है, इजेक्ट, इजेक्ट ऐसे लिखा था, यहाँ पर आपको अगर छिपा हुआ लग रहा है तो फिर से देखिए इजेक्ट। एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्टर है ना, एक्टर या ट्रैक्टर आप समझते हैं, यहाँ से ट्रैक्टर तो आपने समझ, ट्रैक्टर तो एक्सट्रैक्टर, एक्सट्रैक्टर हो गया। एपिथेट एमी, इपिलोग, 87, एक्सटर्मिनेशन, टी आई एन को बोलते हैं सन, एक्सटर्मिनेशन, एक्स यहाँ पर फिक्स है, सभी में देखिए ई एक्स तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। एल्यूसीडेशन, टी आई एन को बोलते हैं सन, एल्यूसीडेशन। नेक्स्ट है एक्स यानी एक्स प्रोप्रिएशन, टी आई एन को सन बोलते हैं, पी आर आई प्री हो गया तो एक्स, एक्सप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट है देखें एक्सप्रोप्रिएशन, एसच्यू, एस देखिए एस्ट्रेंजर, ये जो है ई एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज होता है ना एस्ट्रेंज, तो एस्ट्रेंजमेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं एस्ट्रेंजमेंट। ये एक साइड है, चलिए दूसरे साइड पे चलते हैं। और देखिए ये इरु एरुडाइट, क्वेश्चन आई के रूप में हुआ एरुडाइट। इंट्रस्ट, देखिए ये ट्रस्ट है, इंट्रस्ट। एनसेफेलोपैथी, एनसेफेलोपैथी, इतना। नेक्स्ट है एक्सपेंडेबल, ए बी एल ई को एबल बोलते हैं, डी लगा तो डेबल हो गया, एक्सपेंडेबल। एक्सप्लीसिटनेस, ई डबल एस कैसे बोलते हैं, एक्सप्लीसिटनेस। नेक्स्ट है इक्वालाइज। नेक्स्ट एनलर, एनलाप्रिल। नेक्स्ट देखिए एरा, एरेटिकली, एल वाई को ली बोलते हैं, एराटिकली। उसके बाद देखिए यहाँ सो एंटेरिक है ना, एंटेरिक। नेक्स्ट 88 अर्मिन, अर्मिन हो गया, अर्मिन। इपाइन, इपाइन फ्रीन, इपाइन फ्रीन। एक्सक्लेम, एनकैप्सुलेट, एक के बाद ही आया तो लेट हो गया, एनकैप्सुलेट। 84 आई शैडो, 86 ये सब नंबर, 86 तो आप जान ही रहे होंगे, 84 नंबर है ये सब तो पता ही है वो होगा। देखिए एनजाइमेटिक, टिक को याद रखिए। एपिड्यूरल, ओ एल को एल बोलते हैं एपिड्यूरल। और एनगल्फ, एनगल्फ। एक्सप्रे, एक्सप्रे शनिज्म, सन हो गया, इसके साथ इज्म जुड़ गया, एक्स एक्सप्रेशनिज्म। नेक्स्ट देखिए यूकैरिस्टिक, एस कै पीज्म, आई एस एम इज्म हो गया। एस्पाउज, एम्यूलेटर, ओ आर को आर बोलते हैं एम्यूलेटर। एडुकेटिव, टी आई वी को टिप बोलते हैं, एडुकेटिव।
तो यहाँ पर एडू एडू नहीं होगा क्योंकि यहाँ डी को यहाँ ज बोला जाता है, तो एडुकेशन तो होता है लेकिन एडुकेटिव नहीं, एजुकेटिव। ठीक है, उच्चारण में यह आ जाएगा, डी को ज यहाँ उच्चारण हो गया, एजुकेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है 82, इवन इवेंजेलिस्टिक है ना, लिस्टिक एक्सीजन, ऐसा ही उनको यहाँ जन बोलते हैं, सन भी उच्चारण होता है कई जगह। यूरो करेंसी, करेन हो गया, एस वाई सी वाई को सी बोलते हैं, यूरो करेंसी। नेक्स्ट है एयू, अब देखिए इफी के सी एस, ओ यू एस को अस बोलते हैं। फिर देखिए है एंटेरिस्टिस। नेक्स्ट है एवन सॉन्ग, फिर देखिए एस्टर, ई आर को आर बोलते हैं, टी लगा टर होगा तो एस्टर, आई ई एगेन वैल्यू एपिसोडिक। फिर देखिए इमिग्रेंट। नेक्स्ट है एंगेजिंगली, तो एंगेजिंगली हो गया, जिसमें एल वाई को ली समझिए, यहाँ पर इंग है, एंगेजिंग होता था एंगेजिंगली। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल एक्स्ट्रा डाइट। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल, एल वाई को ली बोलते हैं तो एक्सपोनेंशियली। नेक्स्ट है एजुकेटर की जगह एडुकेटर, तो आप एजुकेटर पढ़ें ज़्यादा आपको लगेगा कि समीप है एजुकेटर। नेक्स्ट दोस्तों, तो हमारे आप वीडियो को डे वन से देखने के लिए ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए या गूगल पे बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या दोस्तों 976वां वीडियो है ये, अगर आप ये लेट से देख रहे हैं तो शायद वह संख्या आपको पीछे बढ़ता हुआ मिलेगा। अगर आप पढ़ने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, समझ में नहीं आता कि किससे सीखें कैसे सीखें, तो दोस्तों इस वीडियो ये जो मैसेज है इसको देख लेने के बाद आप तो 100% गारंटी के साथ आपको पढ़ने आएगा, लिखना भी है तो लिखते लिखते लिखना आ जाएगा। ये भी रूल रेगुलेशन जो है आपको नहीं याद करने हैं, ग्रामर्स के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करने हैं, सिर्फ जी हाँ तो लिख लिख कर आपको लिखने आ जाएगा, अगर लिखते समय आप फिर बोलेंगे तो बोलने भी आ जाएगा, सब कुछ सीखेंगे विद इजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, ना मोटर डिक्शनरी खरीदना है, बस आपको खरीदना है तो बस एक कॉपी खरीदना है, और उस कॉपी पे जब वीडियोस देखेंगे तो आप जो है ए4 साइज की कॉपी होगी, वीडियो को देखेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद लिखेंगे, लिखते समय बोल बोल के लिखेंगे, सब कुछ आएगा दोस्तों। और यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं वो कैसे, देखिए फास्ट में जुगाड़ तरीके से ये तरीका है कि पहला तो ये टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, जो कि बहुत है स्टैंडर्ड वर्ड्स को और तरह तरह के वर्ड्स को आपके सामने रख पाता है, और जाहिर सी बात है रोज़ कम से कम एक स्लाइड में आप इतने तरह वर्ड्स देखते हैं, एक से तीन स्लाइड में जो है जो डेली यूजुअल है बेसिक्स वर्ड्स कहें या उसको कैसे भी वर्ड्स हैं जो कि आपके ज़बान पे आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, और रोज़ देखते हैं इसी तरह के। साथ ही दोस्तों इन पार्ट्स ऑफ वर्ड को पढ़ने का मतलब जो इंग्लिश है उसको पढ़ने के लिए फ्लो में नहीं आ पा रहे हैं, क्यों या तेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कारण है दोस्तों कि आप पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में जानकारी आपको नहीं है, तभी नहीं हो पा रहा। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं तो पढ़ना आपके लिए फास्ट हो जाएगा, तेज़ी से पढ़ पाएंगे आप इस एज में हैं कि आपको सब कुछ समझ में आएगा जो मैं बोलता हूँ। जैसे मैं अगर बता दूँ कि भाई टी यू आर को चर बोलते हैं, और ये चर जो है हमेशा लास्ट में आता है, सफिक्स पार्ट हमेशा ही चर ऐसे ही आएगा, इसको आप चर याद रखिए, आपने रख लिया याद, मैंने बोला कि चर याद रखिए, आपको पता भी नहीं कि अब इसको बस इतना पता चर, इसके पहले का मुझे नहीं पता, एन से न ना ने कुछ भी पढ़ लेंगे तो नाचर नेचर, अब लगाएगा नेचर हो गया। अब देखिए चर यहाँ कोई और देखते हैं एक वर्ड मीनिंग, यहाँ देखिए फिर से चर आया, मान लीजिए ये भी वर्ड मीनिंग आपको पढ़ने नहीं आ रहा है, लेकिन कम से कम जब मैंने बताया कि भाई ये चर है तो यहाँ तो आपको दिमाग में आ रहा है ना, कह रहे वाकई में ये चर यहाँ तो है, अभी इधर का पढ़ने नहीं आ रहा है, इधर का पढ़ने नहीं आ रहा है, इधर का तो पढ़ने आ रहा है चर, अब इतना ही बचा ना, तो अब भाई जब ये सब फिक्स पार्ट है तो फिर फिक्स भी तो होगा, तो टेम्परेचर सिंपल सवाल है। अब मान लीजिए कि सन है, अब मैंने बोल दिया कि सन को याद रखिए, सन बार बार आएगा, ये नहीं पढ़ने आ रहा, तो ये तो पढ़ने आएगा ना कि सन है, तो जब पढ़ेंगे तो एकदम लगेगा हाँ सन तो वाकई में एकदम करेक्ट ही बोले, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन में है, जबकि यहाँ भी मैंने बोला कि यहाँ देखिए क्या आप पढ़ पाएंगे, आप कहेंगे कि जी हाँ बिल्कुल यह भी सन है, तो ये अलग वर्ड है ये अलग वर्ड है, तो मान लीजिए नहीं पढ़ने, ये तो पढ़ने आ रहा, हो सकता है कि मैं बोल दूँ कि भाई इसको याद रखिए F4 है,
तो आप फोर ही पढ़ रहे हैं, सन ही पढ़ रहे हैं, लास्ट बचा क्या? तो भाई एम ए ना बचा, मे हो गया, माँ हो गया। आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद आपको दिमाग में, हमारा दिमाग यानी आपका दिमाग बहुत ही तेज होता है और बहुत कुछ जो है बिना कहे भी बहुत कुछ समझने लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये देखिए फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर देखिए वेजिटेशन हो गया, तो ये समझने के लिए मैं यहाँ मैंने बताया। अब चलिए इसी तरह से पढ़ते हैं और आप सर्कल के अगर ध्यान देंगे इस वीडियो के बाद जब खोल कर देखेंगे कोई और टेक्स्ट को तो देखिए लगेगा कि आपको पढ़ा हुआ है, आप बहुत इजीली आपको पढ़ पाएंगे। तो देखिए इट टेक, ए के बाद जैसे ई आए तो ए का उच्चारण फिक्स ए के रूप में होता है, तो टी ए के टेक हो गया। मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू, ई डब्ल्यू को यू बोलते हैं तो फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। रिलीफ, रिलीफ पैरेंट, ई एन टी को एंट बोलते हैं, आर लगा तो रेंट हो गया। रॉक और बेड, रॉक। क्लाइमेट, एक के बाद ई है तो चैन ए का फिक्स एक के रूप में हुआ। क्लाइमेट वेजिटेशन एंड अदर, ई आर को आर बोलते हैं, टी एच ओ टी एच ई आर ना, टी एच ई आर, तो अदर हो गया। ओ को अलग पढ़े तो ओ को अब बढ़ा गया। अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन। देखिए फिर सन यहाँ पर है, सन यहाँ आ गया ना, फॉर्मेशन यहाँ था, यहाँ पर सन ऑफ सॉइल वेरियस वेरी, और यूएस को क्या बोलते हैं, वो यूएस को मैंने फिक्स बताया था कि अस याद रखिए अस, तो क्या हो गया वेरियस फोर्सेस, इसको यहाँ जहाँ बोला गया ऑफ नेचर ऑफ सच एज चेंजेस इन टेम्परेचर एक्शन एक्ट, देखिए टी एन को यहाँ सन बोलते हैं लग गया, तो एक्शन ऑफ रनिंग आई एन जो कहेंगे बोलते रनिंग वाटर, या को आर बोलते टी लगा टर वाटर विंड एंड ग्लेशियर्स एक्टिविटीज, आई एस को ईज बोलते एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर्स ई टी सी, कन को कन बोले कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है ना, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फिर से देखिए एक्टिविटीज में ईज को याद रखिएगा ऑफ डी, हमारा प्रीफिक्स पार्ट हो गया, सी ओ एम कम जो हमारा सफिक्स है लेकिन प्रीफिक्स ही है लेकिन यहाँ भी उसके पहले डी आ गया, तो कम से ही बहुत सारे प्रीफिक्स वर्ड बनते हैं, वर्ड बनते हैं। तो डी कम्पोजर्स इसको यहाँ जब बोला गया है डी टी सी कन डी प्रीफिक्स ट्रिब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स केमिकल है ना एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक, एक के बाद ही है विच टेक प्लेसेस, सी को सब बोलते हैं है ना प्लेस, तो प्लेसेस नहीं एस है, एक के बाद ई आया तो एक का उच्चारण एक रूप में होता है, तो प्लेस इन द सॉइल आर इक्वल, इक्वल में एल वाई लग गया ली इक्वली। अब देखिए इम जो है प्रीफिक्स पार्ट है, इम्पॉर्टेंट सॉइल ऑल्सो सी वन को कन बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इन है ना इन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, देखिए मे टेरियल्स रियल्स हो गया रियल्स, मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल, आई ए वी एल आई वी एल ई को इवल बोलते हैं, तो एस के साथ लगे सिवल हो गया फॉर सॉइल्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन टी एन को बोलते हैं सन, कलर थिकनेस टेक्सचर, देखिए चर देखिए यहाँ भी चर है, चर नेचर में भी चर आपने देखा था, टेम्परेचर में भी देखा और टेक्सचर में भी चर देखा, चर कितने जगह गया, चर को बस याद करना है। एज द केमिकल हो गया एंड फिजिकल, फिजिकल प्रो देखिए प्रीफिक्स पार्ट है प्रॉपर्टीज, आई एस को ये बोलते हैं प्रॉपर्टीज, द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, आर लगा तो रेंट हो गया टाइप्स। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी चीज़ को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि वोवेल्स है तो वोवेल्स के पढ़ने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, तो वो मैं बताऊंगा आगे। तो पहले इसको दिमाग में रखने के लिए क्या पहले रखना होगा, दिमाग में रखने के लिए सभी वोवेल्स में अ और आ आएंगे, इस बात को याद रखिए। ई और आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए तो हमारा दोस्तों अ ई हो जाएगा, ओ यू डबल ओ में जो ऊ को बढ़ा लीजिए तो हमारा आऊ 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 हो जाता है। अब यू को यू, ओ को आई को आई और ए को ए तो बोलते ही हैं है ना, तो ये चीज़ है। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करना होगा,
तो आप ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स ले रखे हैं, आपको भी 100 से 150 वर्ड मीनिंग ऐसे कलेक्शन करने हैं कॉपी पे, जिसको आप पहले से उच्चारण जानते हो, स्पेलिंग भी पता होना चाहिए, उच्चारण भी करेक्टली आना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे ए से ले लिए, अब ए को यहाँ ए के बारे में चेक करेंगे कि ए में कंपनी में एक उच्चारण क्या हुआ है, तो आ हुआ है। सॉल्ट में एक उच्चारण क्या हुआ, तो आ हुआ है। केयर में एक उच्चारण क्या हुआ भाई, केयर में तो ए के रूप में हुआ, ए का, ए का सिर्फ उच्चारण दिख रहे हैं। मैप में एक उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए हो रहा है, ए का। परफेक्ट में दो ई है, पहला ई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है, दूसरा ई का उच्चारण जो है तो ए के रूप में हुआ है। फिर प्रीफिक्स में दो ई है, तो पहला ई का उच्चारण छोटी के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण बड़ी के रूप में। टेन में जो ई है उसका ई का उच्चारण जो है ए के रूप में। उसके बाद सर में आई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है। फिग FIG में ई का उच्चारण जो आई का है उसको छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ है। उसके जैसे सन में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। उसके बाद मोटो देखिए, यहाँ पर मोटो में दो ओ है, तो पहला ओ का ओ के रूप में, दूसरा ओ भी ओ ही के रूप में उच्चारण हो रहा है, यहाँ ओ है मोटो। ये ब्यूटी बट में यू का उच्चारण अ के रूप में हुआ, बट। अब ब्यूटी पुट में है ना, ब्यूटी बट में यू का उच्चारण अ के रूप में, पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो रहा है। टी यू यानी ट्यून में यू का उच्चारण जो है ई यू के रूप में हुआ, ट्यून। उसके बाद देखें डबल एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, फ्लड। एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ, लुक। तो इस तरह से दोस्तों आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तरह तरह के वर्ड्स को लेकर। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ फिर से आपको ले चलूँगा हमारे जो है हॉबल्स, लेकिन नहीं वर्णमाला के ऊपर बात करेंगे, वर्णमाला में पहले स्वर के ऊपर। चलिए दोस्तों, वर्णमाला में जो है पहला पार्ट है स्वर का, और स्वर का यहाँ पर उच्चारण मात्रा चिन्ह अंग्रेजी के बारे में बात होगा। तो देखिए अ आ ह्रस्व दीर्घ, ह्रस उ दीर्घ उ ह्रस्व रे दीर्घ रि, मात्रा चिन्ह कुछ नहीं, आकार का आकार हो गया, आकार का ई कर का छोटी इस तरह से, बड़ी कर का इस तरह से है, छोटी यानी ह्रस्व का ये है, दीर्घ का ये वाला चिन्ह है, री का ये है, दीर्घ री का ये वाला। अंग्रेजी अ का ए डबल, बा का डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी ई का जो आई हो जाता है, बड़ी का डबल ई, ओ का यू, बड़ी ओ का डबल ओ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। अब देखिए ए ए ओ औ अन अ, ए का मात्रा चिन्ह ये हो गया, ए का ये हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का दो ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, अन का ये हो गया, और अह का यहाँ पर हो गया। तो देखिए ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का ए एन, अह का एच, ये तीन है, तीन अक्सर लोग भूल जाते हैं, इसलिए आप ऐसी गलती ना करें, आप याद रखें इसका प्रयोग। जब भी कोई शब्द देखें उसमें ये मात्रा चिन्ह को, जब डायरेक्ट स्वर ना रहे लिखा रहा, स्वर लिखा रहा तो सेम इंग्लिश तो सेम आ जाएगा, लेकिन जब स्वर ना लिखा रहे तो मात्रा चिन्ह को देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने लिख दिया कृतिका, ठीक है, कृतिका मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए कोई भी स्वर डायरेक्ट नहीं है, सब उसके मात्रा चिन्ह जरूर लिखे, री का ये हो गया जो कि यहाँ है, इसका आर आई हो जाता है, ई कार का ही है जो आई हो जाएगा, आकार का ही है जो डबल या सिंगल होगा। कैसे लिखेंगे, क से के हो जाता है, री के लिए आर आई हो गया, टी आई से, और यहाँ पर के से का, कृतिका हो गया, इस तरह से लिखेंगे ना। तो दोस्तों ये है तरीका लिखने का। अब जो है समझने की बात है कि मान लीजिए कि अगर लिखा रहता आम, ठीक है आम, तो यहाँ पर देखिए आ का लिए डबल ए लिख सकते हैं, सिंगल ए लिख सकते हैं, तो चलिए डबल ए लिख दिया, अम का एम आ गया, लास्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर मात्रा चिन्ह रहे तभी लिखा जाता है। अब एक और चीज़, जैसे मान लीजिए है लिख रहे हैं, है में बिंदु है, तो एच ए एन यहाँ लिखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आई एन लिखा जाएगा, यानी बिंदी के लिए सिर्फ एन नहीं बल्कि हिंदी के लिए आई एन का भी प्रयोग होता है, चाहे है में देखिए या में देखिए क्या हो जाएगा, एम ई ए एम ई आई एन, है ना, तो मे के लिए भी आई एन का इस्तेमाल हुआ, और बिंदी में, और हैं के लिए भी आई एन का, लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं होता, कंधार है किसी का नाम है तो एन का तो प्रयोग एन ही के रूप में हो, खाली ये सब खास एक्सेप्शन के रूप में। तो चलिए अब व्यंजन पे आते हैं। तो व्यंजन की संख्या जो है 36 है, 36 व्यंजन जो है अपने आप में अधूरे अक्षर हैं, आधा अक्षर माने जाएंगे। देखिए क ख ग सभी अंग जब सभी आधा ही हैं, नीचे के जो इंग्लिश लिखा हुआ है उसका वो भी आधा ही समझा, जब तक कि इसमें कोई स्वर का अंग्रेजी न जुड़ जाए, है ना, तो ये सभी के सभी जो है आधा अक्षर ही हैं,
आधा अक्षर समझ रहे हैं ना, आधा अक्षर जैसे शब्दों में पढ़ लेते, लेकिन ऐसे आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो जब भी कोई व्यंजन को लेंगे, व्यंजन में जब कोई स्वर जुड़ जाता है, स्वर की संख्या 14 है, कोई एक भी स्वर जुड़ जाएगा इसमें तो वो हमारा अक्षर बन जाएगा। अगर नहीं जुड़ेगा तो वो अक्षर नहीं बनेगा, तो अक्षर जुड़ जाएगा। चलिए क में ये हमारा स्वर, व्यंजन में ले लिया मैंने अ, ये है हमारा स्वर। इस तरह से हमारा हो गया क प्लस अ क हो गया, है ना, के से क प्लस ए यू से अ, तो हमारा हो गया क, है ना, क हो गया। तो ये है अक्षर मात्रा चिन्ह के साथ। अगर अ रहता तो सिर्फ क रहता, मात्रा चिन्ह नहीं दिखता, क में नहीं दिखता है। लेकिन इसी तरह से तो आपको लिखना होगा, बार बार समझना होगा। देखिए अंगा जो है लोग याद नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं लोग, स्पेलिंग ही पता नहीं रहता, इयाँ ही नहीं याद रखते हैं, और अक्षर तरह थोड़ा सा दिक्कत में लोग पड़ जाते हैं, खासकर अक्षर और ज्ञा में। तो इस तरह के जो है जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखना, ताकि आप एक्सपर्ट बन सकें। और देखिए इसके बाद वॉवेल्स, देखिए पहले कॉन्सोनेंट पे आते हैं अल्फ़ाबेट में। तो वॉवेल में ए ई आई, यहाँ ए आई ओ और यू को हटा लीजिए, जो बचेंगे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट ही बोले जाते हैं। अब देखिए इसमें बी को क्या बोलते हैं, ब, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द और ज भी बोलते हैं, एफ को बोलते हैं फ, जी को ग ज, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, टी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र ड, एस को स ज, टी को ट था तो बोलते हैं, लेकिन च स भी बोलते हैं, वी को व व, डब्ल्यू को भी व बोलते हैं। अब उसके बाद देखिए एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज झ बोलते हैं। एक और बात कि सी से क होता है, के से भी क होता है, लेकिन इसके अलावा भी क के लिए चार और स्पेलिंग वर्ड मीनिंग में इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे सी क से के हो जाएगा, क्यू से क हो जाएगा, क्यू यू ई से क हो जाएगा, और सी एस से भी क उच्चारण होता है, डी से ड तो होता है, ज मैंने आपको बताया कि ज भी होता है। जैसे आपने देखा भी था एजुकेटर में, या देखिए ग्रेजुएट देख लीजिए, ग्रेजुएट में भी डी का स्पेलिंग ज के रूप में हुआ है, ग्रेजुएट। डी को क्या बोलते हैं, ग्रेजुएट में डी को ज बोल रहे हैं, ना कि ड द। अगर द बोलते तो ग्रेजुएट होता या ग्रेजुएट होता, या ग्रेजुअली देखिए जी आर ए डी यू ए डबल एल वाई, है ना, ग्रेजुअली में भी इसी तरह के आपको समझना होगा, डी को ज उच्चारण था। अब देखिए टी को ट था तो बोलते चसा भी कैसे बोलते हैं, ये भी समझिए। तो टी यू आर ई को बोलते हैं चर, ठीक है, चर बोलते हैं, और टी यू टी यू टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल, टी यू एल को क्या बोलते हैं, चुअल बोलते हैं। तो चर और चुअल, और ये देखिए टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, और टी यू सॉरी टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल। तो ये है सन और ये है सी एल, सन और सी एल। तो ये है दोस्तों कि आपने देखा यहाँ पर कि ये चर है, ये चुअल है, ये सन है, सी एल है। तो इसको आपको समझना होगा कि भाई ये सफिक्स पार्ट है, हमेशा लास्ट में आता है। आपने देखा भी चर से नेचर, गेस्चर, टेक्सचर, फॉर्म, है ना, बहुत सारे, सन से जो फॉर्मेशन है ना, वेजिटेशन, चुअल एक्चुअल से, एक्चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, सी एल से कंडीशन, इस तरह से एक्स से एक्स, तो एक्स को बोलते हैं ई एक्स से भी बहुत सारा वर्ड बन जाता है, जैसे एक्सपेंडिचर, है ना, या एक्सक्यूज, आपने देखा ही आप, तो एक्सक्यूज को एक्सक्यूज ही बोलेंगे, यानी कि यू को उच्चारण जो है ई यू की तरह ही करेंगे, ई एक्स की तरह ही करेंगे, जैसे एफ ओ एक्स फॉक्स में एक्स का उच्चारण एक्स के रूप में होता है। तो ये सब चीज़ समझना होगा। देखिए व व के लिए भी का इस्तेमाल, और व के लिए जो है डब्ल्यू का भी इस्तेमाल होता है, इसको भी याद रखिए। तो चले अब जो है इसको सबसे लास्ट में बात करते हैं, वॉवेल्स का उच्चारण अपने दिमाग में कैसे रखना है, या क्या आखिर कारण क्या है कि आप नहीं अटकते हैं अंग्रेजी पढ़ने में। तो करते क्या है ना कि ए का आप उच्चारण हमेशा हर वर्ड मीनिंग में ए ही आप उच्चारण करते हैं, इस वजह से अटकते हैं। ई का उच्चारण हमेशा ई ही को रखते हैं उच्चारण करते समय। आई का उच्चारण जब भी वर्ड मीनिंग में आता है तो आई का उच्चारण रखते हैं। ओ का ओ रखते हैं ध्यान में ज़्यादातर, और यू में यू का ही ध्यान रखते हैं, डबल ओ में बड़ी यू का ध्यान रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी वर्ड मीनिंग आए तो सिर्फ ए जो लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू डबल ओ, जो कि सर्कल किया मैंने, सिर्फ वही नहीं होगा बल्कि आ ए भी होगा, जो बचा हुआ है वो भी रेस्ट में उच्चारण होने चाहिए, या आपको करके देखना चाहिए जब आपको लगे कि हम मैं फंस रहा हूँ। यही कारण है कि आप अटक रहे हैं। मान लीजिए अगर नहीं ऐसा बात है तो आप बताइए कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा। अगर आप इसे ए पढ़ते तो यहाँ पर मेस पढ़ जाते, जो गलत होता है, जबकि यहाँ पर एम ए डबल एस मास है तो आ का उच्चारण हुआ। यहाँ पर देखते हैं
कि एम ई एन मेन है, अगर ई को ई पढ़ते तो यहाँ पर गलत हो जाता है, ई का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ। अगर यहाँ पर आई को आई पढ़ते तो भाई आई का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ सर। अगर यहाँ पर आप ओ को ओ पढ़ते तो जाहिर सी बात है ओ का उच्चारण आप गलत पढ़ जाते, क्योंकि ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ के रूप में नहीं हुआ है, बल्कि क्या हुआ भाई अ के रूप में उच्चारण हुआ है, अ सन। उसी तरह बी यू टी बट में यू का उच्चारण आप समझ सकते हैं कि यू नहीं हुआ बल्कि अ के रूप में हुआ। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ जाइए कि भाई पढ़ना कैसे है आप गलती। जैसे मैंने बताया आपको एक वर्ड ले लीजिए आर ई एम है ना, फिर देखिए ई यहाँ लेते हैं एम और बी ई आर, रिमेंबर में तीन ई है, एक ई है, दो ई है, तीन ई है, तीनों ई का अलग अलग उच्चारण हुआ। पहला ई जो है आर के साथ हुआ छोटी ई के रूप में, दूसरा ई जो है ना, पहला ई जो आर के साथ हुआ ई के रूप में, दूसरा ई जो है वो ए के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में उच्चारण हुआ। क्या पढ़ते हैं उच्चारण री मैम रिमेंबर, रिमेंबर उच्चारण करते हैं। और इस सोचिए कि एक ही वर्ड मीनिंग में एक ई आया है, उसको ए पहली बार में ई के रूप में, पहला ई के रूप में, दूसरा जो है ए के रूप में और तीसरा जो है अ के रूप में उच्चारण हुआ। अगर इसी तरह के वर्ड मीनिंग आपको मिलते रहे बार बार तो क्या उच्चारण होगा, डायरेक्ट उच्चारण हो नहीं रहा कि ई तो उच्चारण आपने किया नहीं। अगर ऐसा रहता कि ई ई से को सिर्फ ई ही उच्चारण करते तो रिमिम्बिर पढ़ देते, जो कि गलत हो जाता है, रिमिम्बिर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है रिमेंबर। तो दोस्तों इस तरह से आप समझिए कि इसी तरह से आपको पढ़ना है, आपकी क्या सावधानी बरतनी है आपको समझना होगा यहाँ पर आप। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी की दबाने वाली वीडियो के लिए, वीडियो पसंद आए दोस्तों तो जाहिर सी बात है। और प्ले स्टोर से, जी हाँ दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ है और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है दोस्तों। तो इस हालांकि डिस्क्रिप्शन में हमारे दोनों लिंक दे दिए गए हैं, तो आप लिंक को फॉलो करके हमारे वीडियोज़ को देखिए और सीखते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो, ध्यान रखिएगा, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।